दोस्तों नमस्कार, आज हम देखेंगे WDG 4G लोकोमोटिव का सामान्य निरीक्षण करते समय किन किन पार्टों का और किस प्रकार से निरीक्षण करना है। वीडियो के अंत में मैनुअल के उस लिस्ट को देखेंगे जिसके तहत सामान्य निरीक्षण किया जाता है WDG 4G लोकोमोटिव का। सबसे पहले हम लोकोमोटिव का चार्ज लेते समय लोकोमोटिव रिपेयर बुक को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि लोकोमोटिव रिपेयर बुक में लोको के बारे में बहुत कुछ रहता है। WDG 4G लोकोमोटिव के सामान निरीक्षण में नंबर 2 पे आता है फ्यूल ऑयल की जांच करना। अंडर ट्रैक में फ्यूल ऑयल टैंक लगा हुआ है। WDG 4G लोकोमोटिव के फ्यूल ऑयल टैंक की क्षमता 6000 लीटर है। WDG 4G लोकोमोटिव के टैंक में दोनों ही तरफ दो दो गेज लगे हुए हैं, एक लोअर गेज और एक अपर गेज। लोअर गेज और अपर गेज में आप फ्यूल देख के और पता लगा सकते हैं फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल अभी कितना है। जैसा अभी हम लोअर गेज में देख रहे थे 3250 लीटर फ्यूल टैंक में फ्यूल। WDG 4G लोकोमोटिव के निरीक्षण में तीसरे नंबर पे ल्यूब ऑयल, इंजन के सम्प में ल्यूब ऑयल कितना है इसकी जांच करेंगे। कुल ल्यूब ऑयल 1030 लीटर ल्यूब ऑयल WDG 4G इंजन के सम्प में आता है। ये भी आप देख रहे थे ल्यूब ऑयल डिपस्टिक इनसाइड इस दरवाजे के अंदर ल्यूब ऑयल है। ये कैब नंबर दो के पीछे रेडिएटर रूम और रेडिएटर रूम के बाद में एक सिंगल डोर है। इसको जैसे ही खोलेंगे तो ल्यूब ऑयल डिपस्टिक आपको दिखाई देगा। ये बी साइड है, दोनों ही तरफ डिपस्टिक लगे हुए हैं, ए साइड और बी साइड। अभी हमने बी साइड के सिंगल डोर को खोला है और यहाँ पे आप देख रहे हैं डिपस्टिक को पूरा बाहर निकाल लेंगे। पूरा बाहर निकालने के बाद में ल्यूब ऑयल से जितना सना हुआ है ये एक्चुअली आपको यहाँ से स्तर नहीं मिलेगा ल्यूब ऑयल का। इसके लिए सबसे पहले इंजन सब का सही स्तर जांचने के लिए डिपस्टिक को बाहर निकाल के कॉटन आदि की सहायता से एकदम पूरा साफ करेंगे। ल्यूब ऑयल को एकदम साफ कर देंगे। डिपस्टिक पे ल्यूब ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ लिखा है वो बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। उस पर जो भी मार्क्स बने हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देने चाहिए। जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं फुल लो एड, 3 मार्क्स आप इसमें देख रहे हैं फुल लो एड। उसके बाद में डिपस्टिक को पूरा अंदर डालेंगे। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को साथ में ऑन कर लें। 10 से 20 सेकंड डिपस्टिक को अंदर रखेंगे और फिर बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे जो जहाँ पे ल्यूब ऑयल होगा वही सब में ल्यूब ऑयल का स्तर सही है वो आपको दिखाएगा। ल्यूब ऑयल अभी देख रहे हैं लो से ऊपर और फुल से नीचे, दोनों के बीच में है। अभी कोई चिंता की बात नहीं है, पूरी ट्रिप पर अपने ल्यूब ऑयल का स्तर जांचने के बाद डिपस्टिक को सही प्रकार अपने यथा स्थान पे फिर से टाइट करके लगा दिया जाए। WDG 4G सामान्य निरीक्षण करते समय ल्यूब ऑयल टेस्ट हमने कर लिया है। ये लोकोमोटिव की बी साइड है, इसी में थोड़ा आगे चलेंगे। बी साइड में ही रेडिएटर रूम में जहाँ सीढ़ियाँ लगी है चढ़ने की कैब नंबर 2 के पीछे बिल्कुल सीढ़ियों के सामने वाले डोर को जैसे ही ओपन करेंगे उसमें हमें कंप्रेसर मिलेगा, इंजन का कंप्रेसर मिलेगा जो कि मोटर से संचालित होता है, मोटर के द्वारा चलाया जाता है। देखिए ये इसमें एक स्पाई ग्लास लगा हुआ है, यहाँ से आप ल्यूब ऑयल देख सकते हैं। अभी लोकोमोटिव बंद है तो आपको लोग ल्यूब ऑयल में कोई हलचल नहीं है इसलिए सामान्य दिखाई नहीं देगा। टॉर्च की सहायता से देख सकते हैं आप। जब लोकोमोटिव चालू होगा तो आपको ल्यूब ऑयल आराम से दिखाई देगा। आगे चल के लोकोमोटिव चालू हालत में है तो आप कंप्रेसर के स्पाई ग्लास में आसानी से देख सकते हैं ल्यूब ऑयल का स्तर कितना है। ल्यूब ऑयल येलो में नीचे आप देख रहे हैं, मिनिमम उससे कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ग्रीन में आप ऊपर की जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं मैक्सिमम वहां से ज्यादा नहीं होना चाहिए ल्यूब ऑयल। और नीचे जो आप देख रहे हैं येलो मार्क, यहाँ पे नीचे मिनिमम ब्लैक मार्क, उससे कम नहीं होना चाहिए कंप्रेसर का ल्यूब ऑयल। वाटर लेवल की जांच के अब नंबर 2 से लोकोमोटिव राइट साइड या लोकोमोटिव ए साइड जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे रेडिएटर रूम को पार करेंगे वहीं पे बिल्कुल 2 नंबर कैब से हम लोकोमोटिव राइट साइड या ए साइड में निकल के आए हैं और रेडिएटर रूम जैसे ही पार किया है वहीं किनारे पे ऊपर की तरफ वाटर लेवल गेज लगा हुआ है। वाटर लेवल गेज में 2 इंडिकेशन है यहाँ पे, एक फुल एट आइडल और एक नीचे है लो एट आइडल। जब आपको वाटर लेवल चेक करना है इंजन को आप आइडल कर दीजिए और आके तब टेस्ट करिए। तो अभी आप देख रहे हैं वाटर लेवल गेज में फुल एट आइडल से थोड़ा नीचे है इसकी, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लोकोमोटिव अपना पूरा ट्रिप करेगा और साइड में जाके वाटर फील करेगा। वाटर फील करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं।
कैब नंबर 2 से लोकोमोटिव राइट साइड या ए साइड जो सीढ़ियां हैं जिनसे लोकोमोटिव को फुटप्लेट पर चढ़ा जाता है उसी के सामने बिल्कुल सामने वाले डोर को जैसे ही ओपन करेंगे उसमें आपको ब्रेक पैनल मिलेगा। जैसे इस डोर को ओपन करेंगे आपको अंदर ब्रेक पैनल दिखाई देगा, पूरा क्लियर ब्रेक पैनल, और लेफ्ट ब्रेक पैनल में लेफ्ट साइड सबसे ऊपर डेड इंजन स्विच आपको दिखाई दे रहा है जो सामान्यतः नॉर्मल पोजिशन पे रहता है। जब डेड इंजन ऑपरेशन करना होता है तभी डेड पे किया जाता है, वरना ये सामान्यतः नॉर्मल पोजिशन पे होना सुनिश्चित करें। उसी के जस्ट नीचे आपको बैकअप ब्रेक स्विच दिखाई देगा, जब तक बैकअप ब्रेक की आवश्यकता नहीं है इसको नॉर्मल पोजिशन होना अवश्य सुनिश्चित कर ले। बैकअप ब्रेक स्विच का भी नॉर्मल पोजीशन पर होना सुनिश्चित करें। और ब्रेक पैनल पे बिल्कुल सामने आपको गुड्स एंड पैसेंजर स्विच भी दिखाई देगा, एज ए रिक्वायर्ड आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे पैसेंजर वर्किंग में कर रहे हैं तो पैसेंजर पे, गुड्स वर्किंग कर रहे हैं तो इसको गुड्स में। ये टॉगल स्विच आपको ब्रेक पैनल के पास में ही लगा मिलेगा, इसके सेंटर में पोजीशन होना सुनिश्चित कर लें, क्योंकि जब बैकअप ब्रेक को यूज किया जाता है जैसे कैब सेलेक्ट किया जाता है कैब 1 या कैब 2 से बैकअप ब्रेक यूज किया जाता है उसी पोजीशन पे करते हैं। परंतु अभी सेंट्रल लोकोमोटिव के ऑक्सिलरी रूमों का दरवाजा बंद होना सुनिश्चित करें। ए साइड में CA2 और CA4 में स्पाई ग्लास लगा हुआ है, इसमें लाइट नहीं जली होनी चाहिए, इसमें रेड कलर की लाइट जलेगी यदि आपने दरवाजे खुले छोड़ दिए तो स्पाई ग्लास में। वहीं बी साइड में हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं CA3 और CA5 में भी स्पाई ग्लास लगा हुआ है, यदि सही प्रकार से दरवाजे बंद नहीं होंगे तो इनमें रेड कलर की लाइट जलती हुई दिखाई देगी, तो वो लाइट नहीं जली होनी चाहिए। यदि लोकोमोटिव बंद है तो स्टार्ट नहीं होगा, यदि स्टार्ट है तो मूव नहीं करेगा यदि इसके अंदर लाइट जली हुई होगी। WDG4G लोकोमोटिव को ऊपर का निरीक्षण कर लिया, आप नीचे का निरीक्षण करेंगे। बफर भी आप देखेंगे, इसका अलग टाइप का बफर है, बफर में बीचों बीच में एक पिन लगी हुई है और साथ ही साथ में CBC ऑपरेटिंग हैंडल, CBC का अच्छे से निरीक्षण करेंगे। इसमें कोई भी पार्ट कम नहीं होना चाहिए, सारी पिन अच्छे से लगी हुई होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि जो भी लोड चलता है वो कपलिंग के बलबूते पे ही चलता है। कपलिंग में यदि प्रॉब्लम है तो आप लोकोमोटिव कोई कार्य नहीं करेगा। बफर में देखिए, मैं जैसा मैं बता रहा था बीच में से एक पिन लगाई है और दोनों तरफ पिन में कीरा पिन लगी हुई है, इनका लगा होना सुनिश्चित करें। हेडलाइट की जाँच करेंगे, हेडलाइट वन साइड ऑपरेट करेंगे एक बार में, मार्कर लाइट की जाँच करेंगे, सामान्य निरीक्षण में जरूरी सेफ्टी वाले आइटम है फ्लैशर लाइट की जांच करना बहुत ही अति आवश्यकता है। यदि कहीं भी दुर्घटना हुई या एक्स्ट्रा गाड़ी खड़ी हुई तो फ्लैशर लाइट की वहां पे आवश्यकता पड़ेगी। और हाँ, कपलिंग का एक बार ऑपरेट करके अवश्य देख लें, कपलिंग को ऑपरेटिंग हैंडल से ऑपरेट करें, खोलें और पूरा खोल के एक बार चेक कर लें क्या लॉक सही है, कपलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हम चेक करेंगे पाइप BCE और MR इक्वलाइजिंग और BC इक्वलाइजिंग पाइप के कॉक ठीक प्रकार से बंद होने चाहिए दोनों साइड के। ये रेल गार्ड दोनों तरफ का हम जांच करेंगे, रेल गार्ड सही है, कैटल गार्ड में कोई बोल्ट या वेल्डिंग टूटी नहीं है, पूरे बोल्ट लगे हुए हैं, कहीं से ढीला नहीं है, ये सब अंडर फ्रेम में जरूरी है जांच। इधर ट्रैक्शन मोटर बक्सा, ट्रैक्शन गियर बक्से के सारे बोल्ट टके हुए, ट्रैक्शन मोटर लिंकेज, ट्रैक्शन मोटर सही प्रकार से टाइट है, इसके बोल्ट वगैरह सब चेक करने होते हैं, कोई स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग नहीं टूटी है, लिंकेज भी, ये सब कुछ एक एक चीज जो सामान्य जाँच करते हैं सभी लोकोमोटिव अंडर फ्रेम में, वो सब कुछ जाँच करना है। ये पार्किंग ब्रेक और ब्रेक सिलेंडर के कॉक, डोर फ्रेम की जांच करते समय MR टैंक में ऑटो ड्रेन वाल लगे हुए हैं, ऑटो ड्रेन वाल को ऑटो पर होना सुनिश्चित कर लें, ऑटो काम कर रहे हैं यह सुनिश्चित कर लें। फीड वाइप कॉक, ये फीड वाल का कॉक है, इसका खुला होना सुनिश्चित करेंगे। अंडर फ्रेम में जितने भी आइटम हैं यथावत लगा होना सुनिश्चित करेंगे। ये BC इक्वलाइजिंग पाइप और MR इक्वलाइजिंग पाइप के कॉक भी यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये ठीक प्रकार से बंद होना सुनिश्चित करेंगे, बंद होने चाहिए BP इक्वलाइजिंग और MR इक्वलाइजिंग पाइप के कॉक। और अंदर देखिए एडिशनल कॉक लगा हुआ है BP का, वो खुला होना उसका सुनिश्चित अवश्य करेंगे। कैटल गार्ड रेल गार्ड सही प्रकार लगे हुए हैं, वो भी मोटर के सभी कनेक्टर और वायर्स जितनी भी हैं वो यथावत स्थान पे लगे हुए हैं, सही प्रकार लगे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है,
और कपलिंग हमें दोनों तरफ की सामान्य रूप से चेक करनी है, ऑपरेट करके खोल के और फिर से बंद करके देखना है। ऐसा ना हो रास्ते में कपलिंग की आवश्यकता पड़े और वहाँ पे कपलिंग सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही हो, लोड को खींचने में असमर्थ हो, तो लोकोमोटिव के चलाने का कोई मतलब नहीं है, लोकोमोटिव वहीं पे फेल हो जाएगा। इससे बचने के लिए कपलिंग जब भी चार्ज लें तो कपलिंग का ऑपरेशन अवश्य जांच लें एक बार।